गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोयम का। हमें एक एक्सटेंजा दिया जाता है और उस एक्सटेंजा के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं। एक्सटेंजा को पढ़ के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके हमें आंसर देना पड़ते हैं। आंसर किस प्रकार से देते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले हम देखते हैं कि हमें कौन सा एक्सटेंजा दिया है और उसके कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से रहता है, क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। नीचे दिए गए स्टेंजा को सावधानी पूर्वक पढ़ो और उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनके उत्तर दो। अ स्लंबर डिड माई स्पिरिट सी। स्लंबर का मतलब होता है नींद। अ स्लंबर डिड माई स्पिरिट सील। सील कर देना, एक नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया। एक नींद, स्लंबर मतलब नींद, एक नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। ह्यूमन माने मानवीय, फियर माने भय। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। मेरे पास कोई भी मानव भय नहीं है। सी सीम्ड अ थिंग। सीम्ड माने महसूस होना, वह मुझे एक वस्तु महसूस होती है। दैट कुड नॉट फील, जो अनुभव नहीं हो सकती। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। अर्थली ईयर्स माने पृथ्वी वर्ष। टच माने स्पर्श, पृथ्वी वर्षों का स्पर्श। फिर से देखेंगे स्टेंजा को। अ स्लंबर डिड माई स्पिरिट सील। एक नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। मेरे पास कोई भी मानवीय भय नहीं है। सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, वह एक वस्तु जैसी प्रतीत होती है जिसे अनुभव नहीं किया जा सकता। द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, पृथ्वी वर्षों का स्पर्श। डिस्टेंजा था। क्वेश्चंस कैसे हैं, व्हाट एक्चुअली इज अ स्लंबर हियर। एक्चुअली यानी वास्तव में, स्लंबर मतलब नींद। यहाँ वास्तव में नींद क्या है, यहाँ वास्तव में नींद क्या है। चार ऑप्शन दिए गए। अ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक गट्ठा। एन एनिमल, एक जानवर। अ थीप, एक चोर। डीप स्लीप, गहरी नींद, अर्थात डेथ, मृत्यु। चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, मैं बताना है उसको। द पोएट डिड नॉट फेस फिजिकल और अर्थली फियर्स। कभी फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक, अर्थली यानी पृथ्वी संबंधी। पृथ्वी संबंधी और शारीरिक भय वो कभी ने सामना नहीं किया। व्हेन ही एक्सपीरियंस्ड हिज स्लीप, जब वह अपनी नींद का अनुभव लेता है। जो ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स, इनमें से कोई एक सही है उसे बताना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई अर्थली ईयर्स। आप अर्थली ईयर्स से क्या समझते हैं। अंडरस्टैंड माने समझना, बाई अर्थली ईयर्स। हमने इस स्टैंजा को पढ़ा है, उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको देखा। अब हम देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। यह है स्टैंजा। आई स्लंबर डिड माई स्पिरिट सील। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, द टच ऑफ अर्थली फियर्स ईयर्स। क्वेश्चन है, व्हाट एक्चुअली इज अ स्लंबर हियर। यहाँ स्लंबर वास्तव में क्या है। आंसर है, अरे अभी ऑप्शन है, अ लॉग ऑफ वुड, एन एनिमल, अ थीप, डीप स्लीप, अर्थात डेथ। सही आंसर है इसका, डीप स्लीप, डेथ। तो इसे अब ऐसे हमें पता कैसे चलेगा। स्पिरिट सी, यहाँ पर जो स्लंबर का मतलब होता है नींद। नींद में जब हम सो होते हैं तो हम बहुत गहन निद्रा में होती है, मतलब हम हमारी मृत्यु जैसे ही हम रहते हैं। जैसे हमारी मृत्यु होने पर हम रहते हैं, हमें कुछ पता नहीं रहता, वैसे ही नींद आने पर भी हमें कोई चीज़ पता नहीं होती। डीप स्लीप या डेथ। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। स्टैंजा जो कि वही है, द पोएट डिड नॉट फेस फिजिकल और अर्थली फियर्स। कभी
फिजिकल या अर्थली भय का अनुभव नहीं करता। व्हेन ही एक्सपीरियंस्ड हिज स्लीप, जब वह अपनी नींद का अनुभव करता है। ट्रू है कि फॉल्स? सही आंसर है इसका ट्रू। जी, जब हम नींद में होते हैं तो हमें ना तो शारीरिक कष्ट का अनुभव होता है और ना ही अर्थली भय का अनुभव होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थली ईयर्स? अर्थली ईयर्स से आप क्या समझते हैं? आंसर इसका, अर्थली ईयर्स आर द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। फिजिकल का मतलब शारीरिक और एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व या भौतिक अस्तित्व, मानव जीवन के भौतिक अस्तित्व हैं। अर्थली ईयर्स का मतलब मानव जीवन का भौतिक अस्तित्व। व्हेन वी आर अवेयर ऑफ द फिजिकल थिंग्स अराउंड अस, अराउंड अस माने हमारे चारों ओर, फिजिकल थिंग्स माने भौतिक वस्तुएं, जब हम अपने चारों ओर की भौतिक वस्तुओं के प्रति सजग हो जाते हैं, जो अर्थली ईयर्स हैं वे मानव जीवन के भौतिक अस्तित्व हैं। ये हमने एक पोयम का स्टैंजा और उस स्टैंजा पर दिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना सीखा है। आशा है वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।